बरसाती मौसम की अभी शुरुआत ही हुई है कि पठानकोट के अस्पतालों में डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी पठानकोट में कई लोग डेंगू की चपेट में आए थे, जिनमें से दर्जनों लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो गई थी, जिनमें ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों में रहने वाले लोग थे। जिसको देखते हुए सेहत विभाग पठानकोट की ओर से बस्तियों में स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए सेहत विभाग की ओर से पोस्टर भी बांटे जा रहे हैं। अपनी टीम वालों इस मीडिया के थ्रू लोगों को बार बार अपील कर रहे हैं कि आओ सारे इकट्ठे होके इस डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़िए, ताकि डेंगू जिहड़ा हो ही ना सके। अज सर जिहड़ी असी स्प्रे भी नाल दी नाल करवा रहे हैं और पंपलेट नाल नाल दे के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बचाओ के तरीके लोगों को घर घर जिहड़े आ दस रहे हैं जी। जिवें कि हुण बरसात शुरू हो गई और पानी इकट्ठा शुरू होना हो गया और जिहड़े साडे मॉस्किटोज है वह भी हुण प्रेवलेंट हो गए ने, ते मेरा लोगों को वैसे ये रिक्वेस्ट हैगी है कि चारों पासे जिहड़ियां सफाई का ख्याल रखन, पानी ना इकट्ठा होने देन। साडियां जिहड़ियां टीम्स है असीं हर एरिया एक एक टीम लगाई दी है, जिहड़ियां जाके चैक भी कर रही है जिथे पानी इकट्ठा होए उहनूं खाली भी करवा रही है, कूलरस वगैरह या जिथे भी कोई टायरस है या किधरे भी हैगा उत्थे फ्रैश वाटर है उहनूं सारे नूं खत्म भी कर रहे हैं। और इस तो अलावा असं अवेयरनेस भी कर रहे हैं लोगों के विच, ताकि जिहड़ा वो किधरे भी पानी ना इकट्ठा होए, ताकि जिहड़ा मॉस्किटोज है वो पैदा ही ना हो। इस संबंध में हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि समय समय पर लोगों को डेंगू संबंधी जागरूक करने के लिए इन इलाकों का दौरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि डेंगू का लार्वा एकत्रित पानी में पनपता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खुले बर्तनों और टायरों में पानी एकत्रित न होने दें। वहीं इस संबंध में डॉक्टर भूपेंद्र का कहना है कि बरसाती मौसम आरंभ हो गया है और डेंगू का लार्वा भी पनपना शुरू हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल की ओर से शहर के कई इलाकों में टीमें तैनात की गई हैं, जो लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगी। ताकि इस बीमारी को पनपने से रोका जा सके। पठानकोट से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।